संपूर्ण कलीसिया संत गॉडफ्रे का पर्व मनाती है। उनका जन्म 1065 में फ्रांस में हुआ था। 5 वर्ष की उम्र से ही उनके माता पिता ने उन्हें प्रभु की सेवा कार्य के लिए सौंप दिया था और वे प्रभु की सेवा कार्य के लिए चल पड़े थे। उन्होंने अत्यधिक प्रभु के बारे में जानने की कोशिश की, सांसारिक ज्ञान को अपने अंदर अपनाया ताकि वे प्रभु की सेवा और अधिक पूर्ण रूप से कर सके। उन्होंने अपना जीवन एक मठवासी बनकर वे बिताने लगे। वे जब पुरोहित बने, पुरोहित बनने के बाद उन्हें एक मठ में भेजा गया जहां पर मठवासियों का जीवन बहुत ही विचित्र था। वे अपना जीवन प्रभु में नहीं जी रहे थे, प्रार्थना में उनका जीवन नहीं था, परंतु संत गॉडफ्रे ने अपने अनुशासित जीवन एवं प्रार्थनामय जीवन द्वारा उन सभी लोगों को प्रभु के पास लाने का कार्य किया और प्रभु की सेवा कार्य में उन सभी को लगाया। जब लोगों ने यह सुना कि मठवासी प्रार्थनामय जीवन वापस से जीने लगे, तब उनके अधिकारियों ने उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। संत गॉडफ्रे ने विशेष रूप से प्रभु के कार्यों को करते हुए लोगों को प्रभु के पास लाने का कार्य किया। सन 1115 में जब वे मेट्रोपॉलिटन जा रहे थे, तब उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मठ में ही दफनाया गया और कई लोग रोजाना आकर उनकी कब्र पर प्रार्थना करने लगे और प्रभु के चमत्कारों को अपने जीवन में महसूस करने लगे। कई चमत्कार उनकी कब्र से होने लगे और प्रभु ने अपने चमत्कारिक कार्य को इस संत के माध्यम से किया। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी प्रार्थनामय हो और प्रभु में हमेशा लीन रहे।